नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। अयोध्या में शुभ मुहूर्त में जन्मभूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी। राम मंदिर आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना नाता रहा है। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो राम रथ निकला था, उस पर सवार बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के सारथी पार्टी के तब महासचिव रहे नरेंद्र मोदी ही थे। हालांकि आडवाणी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया था, तब आडवाणी ने इस पर खुशी जाहिर की थी। उस वक्त आडवाणी ने कहा कि यह बड़ी बात है कि ईश्वर ने उन्हें इस आंदोलन से जुड़ने का मौका दिया। आडवाणी ही वो शख्स थे जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने 1992 के बाद से लगातार बढ़त बनाई। पार्टी ने केंद्र में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई और आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के शिल्पकार आडवाणी को राम मंदिर के शिलान्यास में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि कोरोना संकट की वजह से आडवाणी को इस आयोजन से दूर रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 साल बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे और जिस राम मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उस भव्य मंदिर की नींव रखी। राम मंदिर आंदोलन के वक्त मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता थे। उन्होंने मंदिर आंदोलन के लिए योजनाएं बनाई और उसे पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए जमीन पर उतारा। मंदिर आंदोलन के समय पीएम नरेंद्र मोदी और जोशी की जुगलबंदी की तस्वीरें आज भी दिखती। लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से कोरोना के खतरे को देखते हुए मुरली मनोहर जोशी भी इस कार्यक्रम से दूर रहे। निश्चित रूप से इन दो नेताओं की गैर मौजूदगी की टीस प्रधानमंत्री मोदी को आज होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के बावजूद इस कार्यक्रम में शामिल होकर करोड़ों आस्थावानों का सम्मान किया। जन्मभूमि पूजन के लिए दिल्ली से अयोध्या रवाना होने के बाद हर तस्वीर में प्रधानमंत्री की आस्था की झलक दिखी। उनके पहनावे से लेकर पूजा की परंपराओं में हर हिंदुस्तानी ने खुद को महसूस किया। और जैसे ही उन्होंने मंदिर के लिए पहली शिला रखी, पूरा देश राममय हो गया। जय सियाराम। अयोध्या में आराध्य का महा अनुष्ठान पूरा हुआ। पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाण परमेश्वरीं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम शिलायै नमः। शुभ मुहूर्त में हुआ राम मंदिर का भूमि पूजन। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा, सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी ने रखी भव्य राम मंदिर की बुनियाद। कोटेश्वर से कामाख्या, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ, बोधगया से सारनाथ, लक्षद्वीप से लेह तक पूरा भारत राममय हो गया। पीएम मोदी ने जैसे ही मंत्रोच्चार के बीच भव्य राम मंदिर की नींव रखी, पूरा देश जश्न में डूब गया। करोड़ों राम भक्तों के लिए ये किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। साधु संतों के लिए ये किसी पावन बेला से कम नहीं थी, क्योंकि 500 सालों के बाद टाट और टेंट में रहने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे थे। राम के धाम में भूमि पूजन की भव्य तैयारियों के बीच कहीं भजन कीर्तन हो रहा था तो कहीं लोग खुशी से झूम रहे थे। राम मंदिर के शिला पूजन के दिन देश और दुनिया राम भक्ति में लीन थी।
दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 साल बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए तो पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम मोदी ने गोल्डन रंग का कुर्ता और पीताम्बरी धोती पहन रखी थी। धार्मिक कार्यों में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। हाथ जोड़े हुए नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से लखनऊ पहुंचे। श्री रामचंद्र कृपालु भजे। 5 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे पीएम मोदी लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंचे। तो अयोध्या में उनका स्वागत करने के लिए साकेत कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पीएम मोदी ने योगी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला अयोध्या के लिए निकल पड़ा। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखना पीएम मोदी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। तो उनका 3 दशक पुराना एक बयान भी चर्चा में आ गया। दरअसल अयोध्या में आज से 29 साल पहले यानी 1991 में नरेंद्र मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो यहां वापस तभी आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। उस दौरान एक कार सेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। यही नहीं, साल 1990 में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक जब रथ यात्रा शुरू की थी तो उस रथ पर भी नरेंद्र मोदी सवार थे। उस समय जब ये हम मुलाकात हुई थी तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से ही पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के जो है नेता हैं। और इस रूप में मेरा परिचय हुआ था, चूंकि इनके चेहरे मेहरे से हमको बहुत अच्छे लग रहे थे, दाढ़ी की गेटअप थी और बुका भरा हुआ चेहरा था, तो मेरी उत्सुकता हुई कि उनसे बात करने की। मैंने बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला का दर्शन कर लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं। कहीं बहुत अच्छा लगा, तो अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया कि ये बताइए आप दोबारा अब कब अयोध्या आएंगे। तो उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं अब जब भी आऊँगा राम मंदिर बनाने ही आऊँगा, राम मंदिर जब बनेगा तब आऊँगा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से पीएम मोदी का काफी पुराना नाता रहा है, लेकिन किसे मालूम था कि एक कार सेवक प्रधान सेवक के रूप में जब अयोध्या आएगा तो उसी के हाथों राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। दिन के करीब 12:45 बजे पीएम मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी पहुंचा। अयोध्या के राजा हनुमान जी का आशीर्वाद लिए बिना वो राम जन्मभूमि कैसे जा सकते थे, लिहाजा पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दरबार पहुंचे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और इसके बाद आरती की। आरती के बाद पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी की परिक्रमा की। पीएम मोदी को हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने अंग वस्त्र और मुकुट पहनाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के लिए निकल पड़े। अभिजात मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी करीब 12:00 बजे राम जन्मभूमि पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के साथ वो गर्भगृह की ओर गए, वहां हाथ धोए और फिर सीधे अपने आराध्य के कदमों में साष्टांग हो गए। पीएम मोदी प्रभु श्री राम के आगे दंडवत थे। इस दौरान उनकी पुरानी तस्वीर ताजा हो गई। जब 20 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बनकर पहली बार जब संसद भवन में प्रवेश करने गए, तब उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर लोकतंत्र के मंदिर के प्रति सम्मान जताया था। ठीक उसी तरह एक राम भक्त के तौर पर जब पीएम मोदी अयोध्या गए तो वहां रामलला को साष्टांग प्रणाम कर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। खैर, अयोध्या में पीएम मोदी ने शंख की ध्वनि के बीच रामलला की आरती की। इसके बाद पारिजात का वृक्ष लगाया। इस बीच भूमि पूजन की जगह पर लगातार मंत्रोच्चार चल रहा था और पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही भूमि पूजन का कार्यक्रम अपने तय वक्त पर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के साथ भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अशोक सिंघल के भतीजे सलिल सिंघल भी मौजूद थे। पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री हाथ में एक डिब्बा लिए हुए थे, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस डिब्बे में 5 धातुओं से बना कमल का पुष्प था। नवरत्न जड़ित इस कमल का
पूजा में खास महत्व है। इस कमल पुष्प को राम मंदिर की शिला के बीच स्थापित किया गया। जानकारी के मुताबिक ये कमल पुष्प कांची पीठ के शंकराचार्य ने मोदी के हाथों भिजवाया था। यही नहीं, पीएम मोदी चांदी का कलश लेकर भी आए थे जो उन्होंने गुप्त रूप से दिया। काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने आज प्रधानमंत्री जी का पूजन संपन्न कराया है। इसमें सबसे पहले गणपति पूजन हुआ, गौरी गणेश का पूजन हुआ, नवग्रहों का पूजन हुआ। इसके बाद वो जो हमारी नौ शिलाएँ थीं, इनमें पांच रजत शिलाएँ थीं, इनको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा इनके नाम से जाना जाता है, उनका पूजन हुआ। मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने शिला पूजन किया और विधिवत रूप से राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी। पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने राम मंदिर की नींव की परिक्रमा की और एक बार फिर साष्टांग प्रणाम किया। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। फिजाओं में प्रभु श्री राम का नाम गूंजने लगा। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया का एक लंबा इंतजार खत्म हो गया।